आज मैं आपको गाड़ी का कंप्रेशन टेस्ट करने का तरीका बताऊंगा, और इसमें आपको मैं एंड में मेंशन भी कर दूंगा कि इसमें कितना प्रेशर PSI एक सिलेंडर में जो है वो इसका प्रेशर होना चाहिए, कितना प्रेशर पर इसका इंच होना चाहिए। अब इसमें इग्निशन देता हूँ और आपको इसमें दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। दो, फर्स्ट सिलेंडर के ऊपर जो रीडिंग आई है वो अराउंड 125 PSI आई है, इसको पेपर पे नोट कर लें। इसके बाद हम सेकेंड और थर्ड सिलेंडर का भी जो है वो कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। सिलेंडर टू सिलेंडर 15 to 14 PSI का अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर डिफरेंस ज़्यादा हो तो इसका मतलब हेड गैस्केट लीक है या वॉल्व्स की सील लीक है। अब मैं सेकेंड सिलेंडर उसका कंप्रेशन टेस्ट कर रहा हूँ। दो सर, सेकेंड सिलेंडर के ऊपर 130 PSI की रीडिंग आई है। अब मैं तीसरे सिलेंडर के जो है वो कंप्रेशन टेस्ट कर रहा हूँ। बस बस बस, तीसरे सिलेंडर की रीडिंग भी 130 PSI है, इसका मतलब यह इंजन हेल्दी कंडीशन में है।